हेलो नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। हैप्पी दिवाली मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आज है दिवाली और अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। दोपहर का खाना बन चुका है और अभी खाएंगे। तो आज का दिन बहुत बिजी होता है, जैसे कि सारे काम हो गए। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। तो मतलब रंगोली वगैरह बनाई, थोड़ी सी मैंने फूलों से ही बनाई, क्योंकि रंग से तो बनाना बहुत मुश्किल था। मतलब मुश्किल क्या कि अगर थोड़ा सा कोई आदि ने उसे कर दिया ख़राब तो कबाड़ हो जाएगी। फूलों से तो ये है कि फिर दोबारा से कर सकते हैं सही, पर अगर रंग से बनाते तो अभी आदि से ही बचा के बनाई है। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी ऊपर आई हूँ खाना खाने के लिए। तो जब मैं नीचे जाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर रावत जी भी बैठे हैं, अभी ये संतरा खा रहे हैं। मौसमी हाँ बैठे हैं, अभी ये संतरा खा रहे हैं। मौसमी हाँ। और अंशी यहाँ पर लेटी हुई है, ये देखो कैसे दिखा रही हूँ। ये अपसेट हो रही है, ये कह रही है हमारे घर कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी मतलब कुछ आए थे, तो इसे ये होता है कि जैसे त्यौहार में खूब भीड़ भड़ाका चाहिए होता है, तो इसे ये है कि आएंगे कोई जब मिठाई देने। आजकल तो मतलब ऐसा होता है कि आता है कोई और मतलब ऐसे मिठाई देके और चले जाते हैं, क्योंकि सब बिजी होते हैं त्यौहार में, इसलिए तो पता नहीं अंशिका को क्या चाहिए। अब आएंगे ना, अब आएंगे। ये बनाई है मैंने रंगोली। तो ये है बाहर से, और चलते हैं अब अंदर। यहाँ पर रंगोली सजी है और अंशी फोटो खिंचा रही है। आदि भी आ गया फोटो खिंचवाने। तो मैं इधर रूम है, तो ये स्टोर रूम है। यहाँ पर स्टोर में जो फालतू सामान होता है ना वो यहाँ रखते हैं। यहाँ पर से जाली से अंदर जाते ही यहाँ पर शुरू होता है हमारा पूजा घर। हाँ, तो यहाँ पे तो ये हमारा पूजा घर है, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बैठने के लिए सोफे वगैरह लगाया हुआ है। बरांडा है मतलब ये बाहर, और इधर है ये कमरा मम्मी पापा का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये है, इधर बेड है और इधर अलमारी है। इधर एक रूम ये, फिर यहाँ से निकलते ही आता है हमारा रूम, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इधर बेड है और अंदर स्टोर है पर्दे के पीछे। तो ये एक रूम ये हो गया, और यहाँ पर जाते ही है ये छोटा सा किचन। एक किचन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऊपर है और एक यहाँ पर नीचे है। तो ये छोटा सा किचन है, इसमें सिंक नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर ही खाना वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। यहाँ पर बरांडे में है हमारा फ्रिज। ये देखो मेरा आदि, आज आदि ने कुर्ता पजामा पहना है। हेलो करो, बोलो हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, आप सभी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आदि खुश हो रहा है उसको, है ना? हाँ, तो चले अब हम चलते हैं, थोड़ा मामी के घर जा रहे हैं मिठाई देने के लिए। तो चलो चलो रावत जी, आप
आज तो दिवाली की धूम मची। हैप्पी दिवाली। वाह बढ़िया, ये मामी जी ने बनाई है रंगोली। आप भी फ्रेंड्स आइए और मुंह मीठा कर लीजिए। देखिए कितना ज्यादा शोर गुल हो रखा है, मतलब पटाखों का। उधर देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग की है किसी ने छत पे, चारों तरफ इतना खूबसूरत नजारा दिवाली का। तुम नहीं दिख रहे हो, आदि वहां से कर रहा है हेलो। दीदी फुलझड़ी चला रही उधर। अंशी का इधर देखो, आज अंशी इतनी सुंदर लग रही थी। अंशी का चलाएगा पापा उधर चक्री। अंशी हट जा, अब जब नजदीक आ रहा है तब उधर डर लग रहा है। तो दिवाली अच्छे से मना ली है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ माता रानी के आशीर्वाद के साथ। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।